दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हमें भूतों को पकड़ने में मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके हम भूतों को पकड़ सकते हैं। घोस्ट हंटर्स पैरानॉर्मल के जो भी एक्टिविटीज होते हैं, अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो घोस्ट को हिंदी में कहते हैं भूत, और हंटर्स को शिकारी यानी पकड़ने वाला, और पैरानॉर्मल को कहते हैं असाधारण यानी वो लोग जो भूतों को पकड़ते हैं, नेगेटिव एनर्जी को पकड़ते हैं, या फिर आप यूँ कह लें कि स्पिरिट यानी आत्मा को पकड़ते हैं। तो इसीलिए उन लोगों को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर कहा जाता है। पैरानॉर्मल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये लोग सामान्य लोगों से अलग होते हैं, असाधारण होते हैं, इन्हें भूतों से डर नहीं लगता है। ये रात के 12 बजे भी किसी भी सुनसान जगह पे जाके रिसर्च करते हैं जहाँ पर कोई घटना घटी हुई होती है। अगर आपने किसी जगह भूत देखा है या आपके घर में कोई घटना घटी है या फिर आपके घर में अक्सर अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी रोने की तो कभी चिल्लाने की, कभी पायल की आवाज तो कभी छत पे धमधम करने की आवाज, ऐसा लग रहा हो जैसे छत पे कोई दौड़ रहा हो, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या हो रहा है तो आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें घर बुला सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपने कभी भूत देखा है या फिर कोई अजीब सी आवाज सुनी है, लाइक किसी के चलने की आवाज या धराम धुरूम करने की आवाज, ऐसा लग रहा हो जैसे कोई सामान तोड़फोड़ कर रहा हो। सच कहूं तो ऐसा एक्सपीरियंस मैंने किया है, क्या आपने कभी किया है क्या, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिर कौन से टेक्नोलॉजी का यूज करके हम भूतों को पकड़ सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी है EMF। अब ये EMF क्या होता है तो आपको बता दें कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं जैसे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें जनरेटर्स, मोटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह शामिल है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, तो वो एक फील्ड क्रिएट करती है। मतलब ये कि जैसे हमारे आसपास मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर या फैन रहता है तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप कहीं जंगल में चले जाते हैं तो वहां पे आपको कोई मोबाइल दिखता है क्या, कोई कंप्यूटर दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो ऐसे में इलेक्ट्रोमैग्नेट कहां होगी, फील्ड कहां होगी? हाँ, ये बात सही है कि जंगल में थोड़े बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाए जाते हैं जो कि अर्थ के होते हैं। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जंगल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाए जाते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, वो थोड़े बहुत होते हैं, तो ये नॉर्मल है, कॉमन बात है। लेकिन अगर जंगल में कोई भी उपकरण नहीं है जैसे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह कुछ भी नहीं है, और अगर वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा बन रही है तो समझिए वहां पे कुछ ना कुछ है, लाइक नेगेटिव एनर्जी या फिर आप यूं कह लें तो कोई आत्मा। थ्योरी ये कहती है कि जहां पे कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई आत्मा होती है तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। उनको मेजर करने के लिए एक डिवाइस आई थी, उस डिवाइस का नाम है EMF मीटर। EMF मीटर के जरिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर यानी जो लोग भूतों को पकड़ते हैं उन्हें ये समझ आ जाता है कि कहां पे नेगेटिव एनर्जी है या फिर कोई आत्मा। क्योंकि जहां पे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह कुछ भी नहीं रहता है लेकिन फिर भी वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा बन रही होती है तो इसी से समझ आ जाता है कि वहां पे कुछ ना कुछ है। अब हम बात करेंगे EVP के बारे में। EVP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन। दोस्तों एक जमाना था जब कैसेट में वॉइस रिकॉर्ड किए जाते थे, CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब बाद में आया, तो पहले लोग कैसेट में रिकॉर्ड किया करते थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब लोग अपनी स्पीच वगैरह रिकॉर्ड कर रहे थे तो कुछ लोगों के साथ में एक अजीब सी घटना घटी। हुआ कुछ यूं कि जब वे लोग रिकॉर्ड कर रहे थे तो उनकी आवाज के साथ साथ भी कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड हो जाया करती थी जो उस टाइम उस व्यक्ति को सुनाई नहीं देता था जब वे रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन बाद में जब उस रिकॉर्डिंग को प्ले करके सुनते थे तो उसमें दूसरे व्यक्ति की भी आवाज सुनाई देती थी। कुछ अजीब सी आवाजें हुआ करती थी जिससे सुनने के बाद भी इंसान उस आवाज को समझ नहीं पा रहा। दोस्तों EMF और EVP टेक्नोलॉजी सिर्फ भूतों को पकड़ने के लिए नहीं आई थी। EMF मीटर का यूज डिवाइसेस को चेक करने के लिए बनाया गया था। वो ये चेक करते हैं कि डिवाइसेस जो हैं प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर कौन कौन से डिवाइस में कितने कितने मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। आपको बता दें कि जो हायर फ्रिक्वेंसी की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इंसानों के लिए खतरनाक होती है,
तो ओवरऑल किस डिवाइस में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसे चेक करने के लिए ईएमएफ मीटर का इस्तेमाल होता है और भूतों को पकड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल में लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों और भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल में लेते हैं भूतों को पकड़ने के लिए। तो सबसे पहला जो टूल होता है उसका नाम है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इसका यूज किसी जगह पे जो टेम्परेचर रहता है वो अचानक से चेंज हो जाता है तो उसे पता लगाने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर का कहना है कि जहां पर कोई एंटिटी होता है तो वहां पर अचानक से टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ऐसा चेंज जो किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के कारण न हुआ हो। एकाएक चेंज देखने को मिलता है रूम में, रूम के किसी कोने में ये चेंज देखने को मिल सकता है, तो उसी को डिटेक्ट करने के लिए इस टूल को इस्तेमाल में लिया जाता है। और दूसरा जो है वो है डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर। ये वे वॉइस रिकॉर्डर होते हैं जो कि एम्बिएंट बैकग्राउंड नॉइस को कैप्चर करते हैं, यानी हल्के से हल्के आवाज को भी कैप्चर कर लेता है। अब आप सोचेंगे कि मोबाइल से भी तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर आपको बता दें कि मोबाइल और डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर जो है वो फुल्ली डेडिकेटेड है रिकॉर्डिंग के लिए, वो हर एक सिग्नल को आसानी से कैश कर लेता है। और दोस्तों तीसरा जो है वो है ईएमएफ सेंसर। दोस्तों ये जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिटेक्ट करने में मदद करता है। हालांकि इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। जहां पर कोई मोबाइल या कंप्यूटर कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वहां पर ईएमएफ हाई डिटेक्ट होता है, तो समझ जाइए कि वहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर कोई आत्मा है। आपका क्या ख्याल है इस टॉपिक के बारे में? क्या आपके साथ कोई घटना घटी है? अगर घटी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।